जा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा हो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों दिल तो करता है और गाऊं लेकिन गा नहीं पा रही क्या बात है देवी और सज्जनों इस बुलंद आवाज को हम एक जमाने से सुनते आ रहे हैं और इनकी आवाज ही इनका परिचय है सुबह सवेरे की बैठक में इस वक्त हमारे साथ हैं समूह गान की शिखर हस्ती रुमा गुहा ठाकुरता सुबह सवेरे में आपका स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया जी रुमा जी पहले तो हमें ये बताइए कि क्वायर सिंगिंग का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ आपकी जिंदगी क्वायर सिंगिंग का सिलसिला असल में बहुत बचपन से शुरू हो गया क्योंकि आईपीटी में मैं जब मेरी उम्र 10 साल की थी तो बॉम्बे आईपीटी का जो मेन ग्रुप था उसमें मैं थी उनके साथ और समूह गान आईपीटी से ही शुरू हुई है जी और उसके बाद बहुत सालों के बाद करीबन 56 मेरे ख्याल से जब मैं फिल्मों में काम करना छोड़ दी सब कुछ मैं घर बसा रही थी बॉम्बे में तो उस वक्त सलीलदा आके एक दिन सलील चौधरी सलील चौधरी हाँ सलीलदा ने आके कहा कि रुमा दी हम लोग एक क्वायर शुरू करें ताकि ये जो नया जनरेशन हो रहा है ये अपने पुराने गीत सुनकर प्रभावित होंगे और बॉम्बे यूथ क्वायर से ही समूह गीत का जो अभी जिसको क्वायर कहा जाता है उसका शुरुआत हुआ अच्छा। क्या शैलेंद्र आपके लिए गीत भी लिखा करते थे शैलेंद्र जी गीत भी लिखा करते थे शैलेंद्र जी ने क्वायर के लिए खासकर एक गीत लिखा था तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं थोड़ा गाकर सुनाए दो जो इस गीत को सलीलदा ने सुर दिया था जी पर इसको क्वायर के साथ नहीं गाने से अच्छा नहीं लगेगा बस मैं फिर भी दो लाइन सुना देती हूँ तू जिंदा है तू जिंदगी ये जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है तू जिंदगी ये जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर बहुत ज्यादा और इसको कोरस में सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है रुमा जी दुनिया के किस गायक ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है क्वायर सिंगिंग को या संगीतकार ये तो दुनिया में बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि देखिए क्वायर सिंगिंग जिसको बोलते हैं विदेश में एक दूसरे स्टाइल में होती है जिसको मेनली चर्च सिंगिंग कहते हैं या जो भी कहें आप स्पिरिचुअल सॉन्ग्स होते हैं जी। उसके उस लिहाज से और क्वायर्स के क्लासिकल क्वायर भी बहुत तैयार किए थे बेथोवन मोजार्ट सब लोगों ने तो उसका एक दूसरा स्टाइल था लेकिन हमारे यहाँ पर अगर आप कहें तो हमारे वैदिक स्तोत्र जो गाए जाते थे वो भी लेकिन क्वायर के स्टाइल से ही गाए जाते थे जी बिल्कुल वो मंत्र जो पढ़े जाते थे वो कोई बेस में करते थे कोई हाइज में करते थे कोई मेलेडी में करते थे तो वो भी जैसे कि हमारा तानपुरा तानपुरा ट्यूनिंग ही बिल्कुल है क्वायर की जी लिहाज से तो कौन पहले शुरू किए हैं भारतवर्ष में पहले शुरू हुआ या विदेश में ये बोलना बड़ा मुश्किल है जी तो क्वायर सिंगिंग इज समथिंग हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में मैं तो बोलूंगी कि इसके फादर हैं सलील चौधरी जी सलील दानी शुरुआत किया है यहाँ पर और नहीं मैं बिल्कुल करेक्ट नहीं हूँ क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उनका अपना एक गीत आमी चीनी को चीनी तुम्हारे ओगो विदेशी नी इसको उन्होंने उन्हीं के चारुलता में भी था हाँ
हाँ, जिसको चारों लता में किशोर कुमार जी ने गाया था। आप एक लंबे अरसे से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी रही, तो आपने कभी फिल्मों में क्यों नहीं गाया? हिंदी फिल्मों में, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बचपन में हिंदी फिल्मों में गाई थी मैं। 10 साल की उम्र में बॉम्बे फिल्मों में काम शुरू किया मैंने। दिलीप कुमार जी का पहला फिल्म था जवान बाटा, जिसमें मैंने काम किया था जी। तो उसमें अनिल दा ने एक भजन गवाया था मेरे माँ जी से, अनिल विश्वास जी ने उसके अंदर कोरस के साथ मैंने भी गाया था। वो गाना मुझे याद नहीं है, आप गाने बिल्कुल नहीं कहिएगा मुझे। लेकिन उसके बाद बहुत मैं 13-14-15 साल तक मैं, इनफैक्ट 16 साल तक मैं हिंदी फिल्मों में काम भी कर चुकी थी। और उसके बाद मैं, मेरी शादी हो गई तो मैंने फिल्मों में काम बिल्कुल छोड़ दिया। और इसीलिए शायद हिंदी फिल्मों में मैं नहीं गा पाई, और गाने का दिल भी नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त तो अमित के पिताजी किशोर कुमार जी बिल्कुल इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेकर बैठे हुए थे, उनके गाने से, उनके अभिनय से, सब कुछ से। तो यहीं पे उनके पास रह के गाना बहुत ही मुश्किल था। क्यों? नहीं, मैं गाना सुनती थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो, उनका ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उनका कान बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ही सुना करते थे क्लासिकल गाने, उनके साथ बैठ के हम भी सुनते थे। तो इसी वजह से शायद वही गाया करते थे, मैं नहीं गाई। यहाँ पे एक मैं पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपके पुत्र अमित कुमार किशोर बाबू की विरासत को संभालने में कामयाब हैं? देखिए, कामयाब है या नहीं ये बोलना बड़ा मुश्किल है। एक उस तरीके के बाप के बेटे को उसी के जगह लेना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो लगता है किशोर कुमार जी के जैसे गायक न कभी पैदा हुए न कभी पैदा होने वाले हैं जी। इवन दो अमित मेरा बेटा है, और मैं समझती हूँ कि अभी अमित बहुत ही अच्छा गा रहा है, उसका वॉइस बहुत मेलोडियस हो गया है, वो बहुत मैच्योर्ड हो गया है, और वो भी अभी गाना सीख रहा है क्लासिकल गाना सीख रहा है। और इतने दिनों के बाद उसके अंदर भी वो भावना आया है कि मुझे भी गाना गाना है, अच्छी तरह से गाना है, बेशक पिताजी के जैसा नहीं गा पाऊँ लेकिन गाना है। मुझे लगता है कि पिताजी के जैसा नहीं गा पाए, लेकिन उसके गले में तो कुछ तो पिताजी का ढंग आने वाला ही है, क्योंकि उसके ब्लड में है। किशोर साहब का कौन सा गाना आपका पसंदीदा है? किशोर साहब का सबसे पसंद गाना मुझे अभी तक वही गाना लगता है जो गाना सुन के मैं उनको शादी की थी, जिसके जो गाना सुन के मेरी शादी हुई थी उनके। वो कौन सा गाना? वो है मरने की दुआएं कौन मांगे, जीने की दुआएं कौन करे, उनका जो पहला गीत था। सर हमें थोड़ा सा सुनाए। ये मैं नहीं सुनाऊंगी, माफ कीजिए मुझे, मैं वो सुना देती हूँ बल्कि जो कि मैंने पहले उनके साथ प्लेबैक में किया था जी। जरूर। उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी बंगला में, लुको चुरी, जो कि सुपर हिट है, अभी भी जब भी रिलीज होती है कलकत्ते में तो बिल्कुल हाउसफुल कॉन्स्टेंटली। तो उसमें दो गाने थे, एक रविंद्र संगीत डुएट और एक आधुनिक डुएट। तो वो डुएट गाना मेरा फर्स्ट प्लेबैक था जी। मैं उनके साथ प्लेबैक किए थे मैंने, उसके दो लाइन में सुना देती जी। ए तो हे का गुंज छाया स्वप्न मधुर मुहे, हे जीवने जे कटि दिन पाबो तुम्हारे आमाय हेसे खेले काटिए जाबो दोहे स्वप्न मधुर मुहे।
रुमा दी, आपको फिल्म्स में नेशनल अवार्ड भी मिले आपकी एक्टिंग के लिए। हाँ मिले हैं नेशनल अवार्ड, ऐसे बहुत फिल्मों में मिले हैं, बंगला फिल्मों में, लेकिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम 5 को एक साथ से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था, जो कि तपन सिन्हा का एक फिल्म था, निर्जन शोकते। मुझे, मैं थी, छाया देवी थी, भारती देवी, रेणुका देवी और शर्मिला ठाकुर जी, हम 5 को एक साथ से इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। रुमा जी, जब नेल्सन मंडेला भारत के दौरे पर आए थे, हाँ, तो उस समय आपने कुछ उनके लिए बना, कंपोज किया था। हाँ हाँ, तो अंत में वो सुनाएंगे हमें। हाँ, मंडेला जब आए थे तो हमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने रिक्वेस्ट किया कि एक गाना तैयार कीजिए आप लोग, जो कि आप गा सकेंगे। तो ऑलमोस्ट ओवरनाइट वो गाना तैयार किया गया। शिवदास बैनर्जी ने गाना लिखा हमारे कैलकट यूथ क्वायर के लिए और हिल्लोल मोलनंडो इसको सुर स्वरबद्ध किया। ऐसा ही ये गाना, इट वॉज अ फुल 5 मिनट सॉन्ग एंड आई वॉज वेरी प्राउड, क्योंकि एक तो उनके सामने गा रही थी और ईडन गार्डन्स में करीबन 1.5 लाख से ऊपर दर्शक थे बैठे, और उसके बाद जब मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हुए, उस दिन भी इस गीत को वहाँ पर बजाया गया था। हमेशा सारा देश इस पे प्राउड है। रुमा दी, सुबह सवेरे हमारी बैठक में आने के लिए और इतनी सारी यादें ताज़ा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।